हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे आपको HP पुलिस के रिटर्न की कैसे तैयारी करनी चाहिए। दोस्तों ये हमारा सब टॉपिक होंगे, इंट्रोडक्शन होगी सबसे पहले, फिर हम डिस्कशन करेंगे डिटेल सब्जेक्ट डिस्कशन की, फिर हम डिस्कशन करेंगे आपको क्या करना चाहिए, फिर लास्ट में आपको बताऊँगा कि जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन में नंबर नहीं है उनको क्या करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे इंट्रोडक्शन से शुरू। दोस्तों इससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको HP पुलिस के रिगार्डिंग हर इंफॉर्मेशन दी जाती है, हर अपडेट दी जाती है, HP पुलिस की तैयारी करवाई जाती है। इसलिए आपको चैनल पर बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर प्रेस करना है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात आती है इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन जो है वो पुलिस का रिटर्न का ये है कि आपका जो है वो पुलिस के लिए होते हैं 80 मार्क्स रिटर्न के, ठीक है, और बात आती है और 5 मार्क्स होते हैं आपके हाइट के। देन बात आती है डॉक्यूमेंटेशन की, 15 मार्क्स होते हैं डॉक्यूमेंटेशन के, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन की ऑलरेडी वीडियो पोस्ट की जा चुकी है, यदि आपने वो नहीं देखी है किन किन डॉक्यूमेंटेशन के आपके नंबर हैं तो आप वो हैं वो देख लीजिएगा इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। टोटल आपके होंगे 100 मार्क्स और 100 मार्क्स की ही मेरिट आपकी बनेगी लास्ट ऑफ द फाइनल मेरिट लिस्ट, ठीक है। देन चलते हैं हम सेकंड टॉपिक की, और सेकंड टॉपिक है हमारा डिटेल्ड सब्जेक्ट डिस्कशन। दोस्तों सब्जेक्ट के बारे में जो जो कैंडिडेट इस बार HP पुलिस का पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हो तो मैं आपको बता दूं, जिन कैंडिडेट ने पहले दे चुके हैं वो भी एक बार रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि HP पुलिस के होते हैं 5 सेक्शन, ठीक है। 5 सेक्शन में आपके होते हैं 80 मार्क्स, और हिंदी सेक्शन होता है, फिर इंग्लिश सेक्शन होता है, फिर मैथ प्लस साइंस सेक्शन के 8-8 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी के 16 नंबर का और 16 ही क्वेश्चन, इंग्लिश का भी वैसा ही हिसाब है, 16 मार्क्स और 16 ही क्वेश्चन। मैथ प्लस साइंस एक सेक्शन बनता है इनका, 8-8 क्वेश्चन आते हैं, 16 मार्क्स, फिर देन रीजनिंग सेक्शन होता है 16 मार्क्स, फिर आपका होता है GK का सेक्शन, इसमें आती है आपकी इंडिया लेवल की GK, वर्ल्ड लेवल की GK और आपकी HP लेवल की GK, ठीक है। GK में आपको पता ही है क्या हिसाब होता है, हिस्ट्री होती है, जियोग्राफी होती है, पॉलिटी होती है, इकोनॉमिक्स होती है और स्टैटिक GK होता है, ठीक है। ये आपको हो गया आपका GK का सेक्शन। दोस्तों अब आपको क्या करना है, आप एक पेज रख लीजिए, जो जो मैं आपको बताऊंगा टॉपिक्स जो हैं वो आपके लिए HP पुलिस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उन्हीं टॉपिक में से आपके यदि आप वो टॉपिक जो जो मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, अगर आप वो टॉपिक भी प्रिपेयर करते हो तो आपके 16 में से पर सेक्शन में 14 मार्क्स जो हैं वो आप लेने के लिए काबिलियत रखते हो, ठीक है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हिंदी व्याकरण से। दोस्तों हिंदी व्याकरण के जितने भी आपको टॉपिक बताए जाएंगे, आपको जो जो मैं बोल रहा हूँ तो आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेकर लिख लेने हैं ये टॉपिक, ठीक है। पहला टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए वर्ण के बारे में। वर्ण के बारे में पूरा टॉपिक आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। फिर देन सेकेंड टॉपिक है आपका शब्द, थर्ड टॉपिक है आपका पद, नेक्स्ट टॉपिक है आपका वाक्य, फिर है आपका संज्ञा, देन सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, ये टॉपिक आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देन वचन, फिर आपका हो गया लिंग, लिंग बदलो वचन बदलो टॉपिक हो गया, फिर आपका कारक हो गया, फिर आपका उपसर्ग, प्रत्यय, नेक्स्ट टॉपिक है आपका संधि विच्छेद, फिर आपका टॉपिक है समास टॉपिक, फिर आपको पढ़ना है रस, फिर अलंकार, फिर लास्ट में टॉपिक आते हैं आपके विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द, फिर अनेक शब्दों का एक शब्द, ठीक है। ये हमारे हो गए हिंदी व्याकरण के टॉपिक। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इंग्लिश के टॉपिक के बारे में। इंग्लिश का भी वही हिसाब है जो हिंदी का है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नाउन हो गए, प्रनाउन हो गए, एडजेक्टिव हो गए, एडवर्ब हो गया, आर्टिकल्स हो गए, प्रेपोजिशंस होगी, कंजक्शन होगी, फिर आपके बॉयज़,
वॉइस में हो गया एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, टेंस। टेंस टॉपिक ऐसा है दोस्तों, ये आपको कंप्लीट करना ही होगा। टेंस टॉपिक बोलते हैं कि आप बोलते कि टेंस नहीं आते हैं, आपका जो भ्रम है बिकॉज जो इंग्लिश ग्रामर की नींव है वो टेंस से ही रखी जाती है, ठीक है। टेंस टॉपिक ऐसा है, ये आपको आना ही चाहिए। यदि आपको टेंस टॉपिक नहीं आता है तो आप क्लोज टेस्ट और एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन जो हैं वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देन टॉपिक आएगा आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिर एंटोनियम, फिर सिनोनियम, एंड मोर फ्रेजेस, ये आपको सब पता होना चाहिए, ठीक है। क्लोज टॉपिक, क्लोज टेस्ट ऐसा टॉपिक है जो आपका सीधे 5 नंबर दिलाता है, और ये आप 5 नंबर तो ही ले सकते हो यदि आपका टेंस टॉपिक क्लियर है, ठीक है। टेंस टॉपिक इसमें पार्ट ऑफ स्पीच सभी आते हैं, नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, फिर एडवर्ब, ये सभी आपके क्लोज टेस्ट में टॉपिक आते हैं। क्लोज टेस्ट मेन नीव आपकी टेंस ही रखता है। टेंस टॉपिक जो है वो आपको पहले क्लियर करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जीएस सेक्शन की। जीएस सेक्शन मींस जनरल स्टडी में आता है आपका हिमाचल लेवल की हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इसी प्रकार से आपकी इंडियन लेवल की। इंडियन लेवल में आपने पढ़ना है हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, फिर स्पोर्ट्स हो गए, ऑथर हो गए, गवर्नमेंट स्कीम्स होगी, एचपी लेवल पर होगी, फिर आपकी इंडिया लेवल पर होगी, इम्पोर्टेंट डेज होगी, कौन कौन व्यक्ति न्यूज़ में थे, किन किन व्यक्तियों की मृत्यु होगी, किन व्यक्तियों को पुरस्कार दिए गए 2021 में। 2021 तक आपको करंट अफेयर जो है वो कंप्लीट करने होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन की। दोस्तों रीजनिंग में आपको सबसे पहले आपको कंप्लीट करने हैं कैलेंडर के क्वेश्चन, फिर आपके क्लॉक के क्वेश्चन, फिर डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन, कोडिंग, डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन, ऑड वन आउट, एनालॉजी, ये आपको टॉपिक ऐसे हैं ये आपको सबसे पहले कंप्लीट करने हैं। ब्लड रिलेशन हो गया, रैंकिंग के क्वेश्चन हो गए, डायरेक्शन सेंस हो गए, ये आपको अच्छे से कंप्लीट करने हैं। देन बात करते हैं मैथमेटिक्स सेक्शन की। दोस्तों मैथमेटिक्स सेक्शन में आपने सबसे पहले पढ़नी है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं जो हर एक कैंडिडेट जो है वो थोड़ी सी प्रैक्टिस की हो तो वो अच्छे से टैकल वो क्वेश्चन कर लेगा, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट हो गया, सिंप्लीफिकेशन होगी, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, फिर आपके एवरेज, परसेंटेज, प्रॉब्लम ऑन एज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम, नंबर सिस्टम, डिस्टेंस, टाइम हो गया आपका, फिर आपका टाइम एंड वर्क हो गया। ये टॉपिक ऐसे हैं जो मैथ में आपको निश्चित रूप से हेल्प करेंगे ही करेंगे। देन इसी सेक्शन में आपकी साइंस की बात आती है। साइंस आपको फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी, बायोलॉजी होगी। इसके लिए प्रॉपर हमने जो है वो सीरीज़ ला रखी है साइंस में और जीके में। आपको वो सीरीज़ के जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए जाते हैं वीक में 50 क्वेश्चन एक वीडियो में होते हैं, 50 के 50 क्वेश्चन, जब भी वो वीडियो आए तो आप वो वीडियो हैं वो पूरी एक ही दिन में आपको लर्न करने हैं 50 के 50 क्वेश्चन, ठीक है। साइंस और जीके के आपके पर्टिकुलर पार्ट जो हैं वो हमारे सेक्शन वाइज आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड की जाएगी हिमरक्षक पर, वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक है आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं आपको क्या क्या करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अपने आप का, मींस सेल्फ एनालाइजेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सेल्फ एनालाइजेशन से अभिप्राय ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस सब्जेक्ट में जो है वो वीक हो और किस सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। आपको सबसे पहले आप ये एनालाइज़ करो कि आप हिंदी में स्ट्रॉन्ग हो, फिर आपके इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग हो, और आप मैथ और रीजनिंग में वीक हो। और इसी प्रकार से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, तो आपको मैथ और रीजनिंग में एक्स्ट्रा टाइम लेकर जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। हिंदी में थोड़ा कम टाइम लगा लिया करो, इंग्लिश में थोड़ा कम टाइम लगा लिया करो, यदि आप जो है वो स्ट्रॉन्ग हो इन सब्जेक्ट में। जो जो आपके वीक सब्जेक्ट हैं वो आप दिन में काफ़ी टाइम लगाकर उन सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने पर फोकस कर सकते हैं। नेक्स्ट आप टारगेट रखिए 100 दिन का। 100 दिन क्यों बोल रहा हूँ, नियरली आपके दिन आपके बचे हैं रिटर्न के लिए लगभग 100 दिन, ठीक है।
आप 3 महीने मानकर चलिए, आगे एक्स्ट्रा भी हो सकता है टाइम और कम भी हो सकता है। नियरली आप 3 महीने मानकर चलिए कि आपके पास 90 से 100 दिन है, ठीक है। इसमें आपको ग्राउंड में देना पड़ेगा, तैयारी भी करने पड़ेगी ग्राउंड में, ठीक है, और आपको 100 दिन मान के चलना है। इसी प्रकार से अपने आप को प्रिपेयर करना है, जो जो आपका सब्जेक्ट वीक है, जो जो आपको कमी लग रही है आप में, तो वो आपको दूर इसी प्रकार से करनी है। प्लानिंग होनी चाहिए, सेल्फ एनालाइजेशन होना चाहिए सबसे पहले आपका, ठीक है। दोस्तों, इस चैनल पर आपको जो है वो कंटेंट जो भी मिल रहा है वो आपके लिए हेल्पफुल ही है, क्योंकि मैंने जो है वो वही कंटेंट आपके लिए ला रहा हूँ जो आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसलिए आपको चैनल पर बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है यदि अभी तक आपने नहीं करा है। हमारा और आपका साथ जो है वो हमारे ट्रेनिंग सेंटर तक जब तक आप पहुंच नहीं जाते तब तक आप और हमारा साथ है, ठीक है। और यदि आपको चैनल पर कोई और प्लेलिस्ट चाहिए या कुछ सी और की सीरीज़ चाहिए, वो आप अपने सजेशन में दे सकते हो, ठीक है। और आप कोई भी सजेशन देंगे तो हम निश्चित रूप से उस सजेशन में काम करेंगे। आप बता दीजिएगा कोई भी आपको सजेशन देना हो तो। और सेकंड बात है, आप सीरियस हो जाओ। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप, कई बच्चे सोचते हैं कि हम ग्राउंड के बाद ही पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ग्राउंड के बाद जो है वो नियरली आपको 1 या 2 महीने का ही वक्त मिलता है। अभी आपके पास लगभग 3 महीने हैं, अभी आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। ये हाई टाइम है पढ़ने का, अपॉर्चून टाइम है पढ़ने का, ठीक है। अभी आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। ग्राउंड की वेट बिल्कुल ना करें कि ग्राउंड होगा तो ही हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कई बच्चों को डाउट होता है कि ग्राउंड पता नहीं निकलेगा भी नहीं, कोई पढ़ने का क्या फ़ायदा है। पढ़ने का फ़ायदा मैं आपको बता दूं कि पढ़ने का फ़ायदा ये है कि आपके बेस क्लियर हो जाएंगे। कि कई परीक्षा ऐसी होती है हमारे हिमाचल में, हमारे इंडिया लेवल पर, जिनमें ग्राउंड नहीं दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे हो गए एनटी की परीक्षा, एचएएस की परीक्षा, इनमें आपका ग्राउंड का कोई मतलब नहीं है, इनमें ग्राउंड नहीं दिया जाता है। तो आप यदि अभी से बेस क्लियर कर लोगे तो आपको निश्चित रूप से इन परीक्षाओं में भी आपको फ़ायदा मिल सकता है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि जब तक ग्राउंड नहीं होगा तब तक आपको पढ़ना नहीं है। अभी से आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। यदि अभी तक आपने पढ़ना स्टार्ट नहीं करा है तो आप आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और यदि आपने एचपी पुलिस का सपना देखा है, दोस्तों सपने तो हम देख लेते हैं बट पूरा करने के लिए जो एफर्ट होते हैं उनके लिए वो हम नहीं लगाते हैं, तो ही हम किसी न किसी कारणवश जो हैं वो रह जाते हैं, ठीक है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आपको ग्राउंड का वेट करते रहना है कि जब तक ग्राउंड नहीं होगा तब तक हम पढ़ना नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है आपको। देन बात आती है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हम डिस्कशन करेंगे जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन के नंबर नहीं हैं। कई हमारे पास ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जिनके पास 1 या 2 या 3 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ उनके प्लस टू के ही बन रहे हैं। प्लस टू के और अदर सर्टिफिकेट, कोई ना कोई ऐसा सर्टिफिकेट है जिनके बस 2 से 3 मार्क्स ही बन रहे हैं। तो वो बंदे जो हैं वो ऐसा टेंशन बिल्कुल ना लें कि डॉक्यूमेंटेशन पर ही आपको डिपेंड रहना है। दोस्तों, आपको रिटर्न में इतनी मेहनत करनी है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन के नंबर का फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। आपको रिटर्न में अच्छी मेहनत करनी है। डॉक्यूमेंटेशन तो सभी के साथ ऐसा है कि जैसे आपके 4 नंबर हो गए एनएसएस और एनसीसी के, और वो सर्टिफिकेट ऐसे हैं वो कम ही स्टूडेंट के पास होंगे, ठीक है। ज़्यादा लीड बंदे थोड़े से, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 10 बंदे हम लेते हैं तो आपके एनएसएस और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जो हैं वो 10 में से 3 बंदों के पास होंगे। 7 बंदे जो हैं वो रिटर्न के नंबर के बलबूते पर ही सिलेक्शन लेंगे, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि आपके साथ ही ऐसा हो रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन आपके पास ही नहीं है, ठीक है। और सभी के साथ ऐसा हो रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन में आपके स्पोर्ट्स के नंबर, एनएसएस और एनसीसी के नंबर किन्हीं बच्चों के पास ही हैं। तो ज़्यादातर मेजोरिटी बच्चों को जो है वो रिटर्न पर फोकस करके ही मार्क्स लेने होंगे। देन बात करते हैं लास्ट की 2-3 बातें मोटिवेशन की। दोस्तों, आपको पहली बात रखनी है याद कि आपकी भर्ती काफ़ी
दिनों बाद आ रही है, कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मोटिवेशन है। और जितने भी आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि जितने भी आपको इस दौरान ताने बज रहे हैं वो आपको याद रखने हैं कि आपको जो है वो किस प्रकार से लोगों ने ताने मारे हैं या हैरास किया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, मोराल बिल्कुल डाउन नहीं करना है। उसके बाद आपने जो जो लास्ट सिलेक्शन, कई बार हमारे पास ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो लास्ट के 2 से 3 मार्क्स से रह गए थे, और उन कैंडिडेट को क्या करना है, आपकी सिलेक्शन पक्की है इस बार, बिकॉज आप लास्ट में 2-3 मार्क्स से रह गए थे, ठीक है। क्यों पक्की है, और क्योंकि अगर आप वो सारी गलतियां जो आपने प्रीवियस अटैम्प्ट में करी थी, उन सभी कैंडिडेट ने उन सभी गलतियों पर यदि आपने काम कर लिया तो आपकी सिलेक्शन इस बार कोई नहीं रोक सकता है। आपको जो भी आपने पिछली बार गलतियां करी थी, मिस्टेक करी थी, आपको एनालाइज़ करना होगा अपने आप को। सेल्फ एनालाइजेशन से आप पता लगाइए कि आपने क्या गलतियां करी थी, उन पर आप वर्क कीजिए। दोस्तों ये थी वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया आपको रिटर्न की तैयारी कैसे करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं, बिकॉज आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में रीच करना है आपको, मेरा काम होता है वीडियो को बनाना और आपका काम होता है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में रीच करना। अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग या किसी भी फ्यूचर वीडियोज़ के रिगार्डिंग, प्लेलिस्ट के रिगार्डिंग अगर आपको सुजेशन देनी है, अगर आपको कोई न्यू सीरीज़ चलवानी है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें सुजेशन दे सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।